अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका टॉपिक है चेंज यूनिट फॉर वॉल्यूम एंड एरिया इन सिविल 3D, एम्बिएंट सेटिंग, पैनोरामा सेटिंग इन सिविल 3D। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि वो सरफेस टू सरफेस क्वांटिटी ले रहे हैं तो उनके जो यूनिट आ रहे हैं वो फिट में आ रहे हैं, क्यूबिक फिट में आ रहे हैं, तो उनको वो मीटर में चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये स्क्रीनशॉट भी भेजा है, तो इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा हम जो है कुछ और सेटिंग्स हैं, पैनोरामा सेटिंग, एम्बिएंट सेटिंग, तो वो देखेंगे कि ये कैसे होती हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि यहाँ पे जो है उनके पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक ड्राइंग है, तो यहाँ पे मैं एक प्लॉट का वॉल्यूम जो है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है यहाँ पे, तो इसकी हम रिपोर्ट जनरेट करके देखते हैं कि इसमें कौन से यूनिट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी यूनिट जो है वो शो हो रहे हैं क्यूबिक यार्ड, और अगर हम इसको यहाँ फाइल में प्लॉट करके देखें, यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे भी ये क्यूबिक यार्ड में आ रहे हैं जबकि उनको ये मीटर में चाहिए। तो ये सेटिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम देखते हैं। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे सिविल 3D मेन्यू में अगर आप जाएं तो यहाँ पे ड्राइंग सेटिंग का मेन्यू होता है और यहाँ पे ड्राइंग सेटिंग होती है। तो आप अगर जब करेंगे तो मे बी आप यूनिट एंड जोन में डायरेक्टली आपको ये विंडो अपीयर हो, तो आपने यहाँ पे ये जो एम्बिएंट सेटिंग है आपने इस पे क्लिक करना है। ये विंडो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं सिविल 3D मेन्यू से। और अगर आप ड्राइंग सेटिंग में जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ड्राइंग है उसका नेम है, उस पर राइट क्लिक करें, एडिट ड्राइंग सेटिंग, और यहाँ पे सेम विंडो आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये क्यूबिक यार्ड में है, तो मैं इसको क्यूबिक मीटर में करता हूँ, अप्लाई करके ओके करता हूँ। अभी हम अपना अगर वॉल्यूम लेंगे यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्यूबिक मीटर आ चुका है। और अभी अगर हम इसको ड्राइंग में भी प्लॉट करके देखना चाहें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें भी ये क्यूबिक मीटर में आ गया है। तो ये तो इसकी सी सेटिंग, बाकी सेटिंग हम देखते हैं कि और इस विंडो में कौन कौन सी सेटिंग होती है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसके ज्योमेट्री एडिटर में चला जाता हूँ। तो ज्योमेट्री एडिटर में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे ये इसका ज्योमेट्री एडिटर के ये जो अलाइनमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे ये जो पेंसिल का निशान बना है अलाइनमेंट ग्रिड व्यू, यहाँ पे अगर आप करें तो ये पैनोरामा विंडो जो है ये ओपन होती है। इसमें कुछ सेटिंग होती है, यहाँ पे जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लेंथ है, रेडियस है, डायरेक्शन है। तो समटाइम हम जब एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट वगैरह या प्रोफाइल वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें हमें ये जो यूनिट है वो डेसिमल हमको कंट्रोल करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कोड लेंथ है, ये 3 डेसिमल में जनरली 3 ही रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप इनको कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं अभी हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपने सेम विंडो में आ जाना है, एम्बिएंट सेटिंग की विंडो में आ जाना है, ओके, एम्बिएंट सेटिंग, ओके। यहाँ पे ये जो है जैसे ये लिखा है डिग्री ऑफ कर्वेचर, ओके, और लेबलिंग टाइम, यूनिटलेस, डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे इसको एक दफ़ा मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, ओके, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, ये विंडो जो ओपन हुई है, ओके, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये हमारे पास प्रोफाइल है, अभी प्रोफाइल के मैं ज्योमेट्री एडिटर में चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी ज्योमेट्री में आता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारी वैल्यू है वो पीवीआई स्टेशन की है और पीवीआई एलिवेशन की। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 डेसिमल आपको शो हो रहे हैं और यहाँ पे भी 2 डेसिमल है, ग्रेड में भी 2 डेसिमल है, और ये जो ग्रेड चेंज है इसमें भी 2 डेसिमल है। अगर आप बात करें कर्व लेंथ की तो इसमें 3 आ रहे हैं यहाँ पे डेसिमल, और यहाँ पे ये जो के वैल्यू ये भी 3 आ रहे हैं और रेडियस में भी 3 आ रहे हैं। तो अभी हम इनको कम ज़्यादा करके देखते हैं कि ये कहाँ से कंट्रोल होते हैं और इनको कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे अगर हम एम्बिएंट सेटिंग में आए, ड्राइंग सेटिंग, ओके, अभी हम देखेंगे ये जो सबसे पहले कर्व लेंथ है, ठीक है, इसको हम कम करके देखते हैं।
ये कम कहाँ से होते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से अगर आ पाए तो यहाँ पे ये प्रसीजन 3 है। मैं जैसे इसको 2 करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, और ये जो विंडो है इसको मैंने एक दफा बंद किया और फिर मैंने इसको ऑन किया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो लेंथ के डेसिमल थे वो यहाँ पे चेंज हो गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो के वैल्यू है ये चेंज नहीं हुई है। ठीक है, रेडियस के जो है वो चेंज हो गए हैं यहाँ पे। अभी ये जो के वैल्यू है ये किस में आती है, यहाँ पे हम दोबारा इसमें सेटिंग में जाते हैं। ओके, एम्बियंट सेटिंग। तो यहाँ पे ये एक लिखा है यूनिटलेस, यूनिटलेस में अगर आप आए तो यहाँ पे अगर आप इसको 2 कर दें तो यहाँ पे के वैल्यू में अभी आप चेंजिंग देखेंगे, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो के वैल्यू की वैल्यू है यहाँ पे ये भी 2 यूनिट में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पीवीआई स्टेशन है इसका डेसिमल हमने इंक्रीज करना है। तो सेम विंडो में हम जाएंगे यहाँ पे एम्बियंट सेटिंग में। एम्बियंट सेटिंग में हमारे पास ये जो हमने कंट्रोल करना है सबसे पहले वो स्टेशन की वैल्यू थी हमारी। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टेशन है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो 2 डेसिमल है आप इनको यहाँ पे 3 कर दें, 4 कर दें, जितने भी चाहिए आपको आप यहाँ पे अप्लाई करके ओके करें और इस विंडो को एक दफा रिफ्रेश करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके पीवीआई स्टेशन के जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। अभी हमारा है पीवीआई एलिवेशन। ठीक है, तो पीवीआई एलिवेशन भी आपको यहाँ ही मिलेगा, आप इसी सेटिंग में आ जाएं यहाँ पे। यहाँ पे ये एक एलिवेशन की ऑप्शन है। ओके, मैं इसको भी 4 कर देता हूँ यहाँ पे, अप्लाई, ओके। यहाँ पे अभी 2 ही हैं, आप विंडो को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपको ये डेसिमल भी जितने आपको रिक्वायर्ड थे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी है ग्रेड इन और ग्रेड आउट। तो यहाँ पे आपने सेम विंडो में आना है, एडिटर सेटिंग में। यहाँ पे अगर आप आए तो ये जो ग्रेड है यहाँ पे ये है ग्रेड एंड स्लोप। ओके, तो आप इसको भी कम या ज्यादा करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। विंडो को रिफ्रेश करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तीनों वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। अभी यहाँ पे अगर आप आगे आए तो यहाँ पे ये जो कर्व लेंथ है अगर आप इसको भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपने एडिटर सेटिंग में आना है। ओके, और यहाँ पे आपका ये जो डिस्टेंस है आपने यहाँ पे आ जाना है और इसको भी मैं 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कर्व लेंथ है ये भी अभी रिफ्रेश हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे डेसिमल जो कर्व लेंथ के हैं ये भी यहाँ पे बढ़ गए हैं। के वैल्यू हमने कम करके देखा था, अभी हम इसको वापस कर देते हैं यहाँ पे। तो ये यूनिट लेस में आएगा, यहाँ पे ये यूनिट लेस था। ओके, मैंने इसको भी 4 कर दिया, अप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये जो के वैल्यू की वैल्यू है ये भी 4 डेसिमल में आ गई, रेडियस भी हो गया। और यहाँ से अगर आप इसमें कुछ कम या ज्यादा करना चाहें डाटा तो यहाँ पे आप इसको चेक अनचेक करके इसमें ये कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अलाइनमेंट में आए तो अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी में भी सेम ही ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ज्योमेट्री एडिटर में चला गया। ज्योमेट्री एडिटर में अगर आप यहाँ पे आए, ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडियस, लेंथ, ओके, जो हमने वहां पे सेटिंग की है वो सेटिंग यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप कोई डाटा कम या ज्यादा करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। आप राइट क्लिक करें मेन्यू पे और कोई भी चीज अगर आप ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे आपकी ऐड होके आ जाएगी। जैसे ये पीएई है, अगर आपको पीएई पॉइंट यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पे पीए स्टेशन मैंने किया, पीए स्टेशन आ गया हमारे पास। और अगर आप यहाँ से किसी चीज को अनचेक करना चाहें तो वो चला गया यहाँ से। अभी ये सपोज यहाँ पे ओके मिड ऑर्डिनेट आपको नहीं चाहिए, मिड ऑर्डिनेट पीए पॉइंट का ये जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो चीज आपको यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड, रेडियस रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ पे आप इसको हटा दें तो ये यहाँ से चला जाए। जैसे ये रेडियस है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू चली जाती है। वापस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये रेडियस की वैल्यू वापस आ जाती है। तो ये कुछ इसकी सेटिंग थी प्रोफाइल के पैनोरामा विंडो की। इसी तरह अगर हम अभी यहाँ पे पॉइंट्स में आ जाएं तो पॉइंट्स की कुछ सेटिंग होती है। जैसे यहाँ पे मैं इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी करता हूँ तो यहाँ पे इसकी ये पैनोरामा विंडो आती है जो प्रॉपर्टी की सूरत में होती है। यहाँ पे जनरली आपको मिलता है पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन। और अगर आपने डेटम सेट किया है तो साथ में आपको ये जो ग्रिड ईस्टिंग, ग्रिड नॉर्थिंग, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की वैल्यू और स्केल फैक्टर वगैरह की भी वैल्यू आपको मिलती है। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग कैसे है, तो यहाँ पे आपने सेम मेन्यू में जाना है, सेटिंग, ड्राइंग टू, एडिट,
और यहाँ पे अगर आप एम्बियंट सेटिंग में है तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट की सेटिंग है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आपने देखा था पहली विंडो में कि उसमें 2 डेसिमल थे, हमें 4 चाहिए 3 चाहिए, हम यहाँ से इसको ओके करेंगे। और अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेटिंग में, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4 डेसिमल में आ चुकी है। यहाँ पे तो आ गई है, अभी ये एलिवेशन 3 है, आप एलिवेशन को अगर 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है आपका ग्रिड ईस्टिंग और ग्रिड नॉर्थिंग। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके साथ 2 ही वैल्यू है, ठीक है, तो इसकी ये ऑप्शन इसमें जो है वो सेपरेट है। यहाँ पे अगर आप एम्बिएंट सेटिंग में है तो यहाँ पे ये ग्रिड कोऑर्डिनेट है, ग्रिड कोऑर्डिनेट में आपको जितना चाहिए आप उसमें ओके करें। और फिर अगर आप प्रॉपर्टी विंडो में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो ग्रिड कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो आपको 4 डेसिमल में यहाँ पे मिलेगी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो इसमें ये जो फॉर्मेट अभी आ रहा है ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड आ रहा है। ओके, और जबकि इसमें जो सेकंड के बाद कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसको आप मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, सेम ऐसे ही है इसमें। यहाँ पे अगर आप ये एक ऑप्शन होती है लैट और लॉन्ग की, यहाँ पे ओके लैट डिग्री, तो मैं इसको डेसिमल में कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ डिग्री है और इसकी प्रेसिजन मैं जो है मैक्सिमम 8 अवेलेबल होती है, आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो डिग्री मिनट सेकंड है मैं इसको डेसिमल में कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये आपका अभी जो है यहाँ पे ये जो है डेसिमल में आपका ये कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इसकी सेटिंग थी, इसमें मजीद आप सेटिंग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डिग्री ऑफ कर्वेचर है, ये एक कर्व का जो डिग्री ऑफ कर्वेचर है उसका है, उसके बाद ये लेबलिंग है, ओके, टाइम है, यूनिट लेस को हमने देख लिया, डिस्टेंस को देख लिया, इसी तरह डिमेंशन में आपकी कितनी चाहिए, ओके, कोऑर्डिनेट ग्रिड कोऑर्डिनेट एलिवेशन भी देखा हमने, इसी तरह ये एरिया है, अगर आपके पास कोई एरिया है तो आप इसका यूनिट भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, वॉल्यूम भी हमने देख लिया, ये स्पीड जो है स्पीड आपकी जो अलाइनमेंट के साथ जो किलोमीटर माइल्स जो भी आपने रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंगल है, इसी तरह अगर आपने कोई एंगल लगाया और उसका प्रिसीजन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका डिफ्लेक्शन एंगल वगैरह है अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी में आ रहा था तो उसकी प्रिसीजन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह डायरेक्शन है, फिर लैट लॉन्ग हमने देख लिया, ग्रेड और स्लोप भी देख लिया और स्टेशन भी देख लिया, बाकी ये दूसरी ये जो एक्सेलरेशन है ये भी वही है मीटर पर सेकंड वगैरह, और ये जो प्रेशर है इसमें ये जो यूनिट है किलो पास्कल पास्कल मेगा पास्कल पीएसआई बार है, आप इनको भी सेट करके देख सकते हैं। तो ये सेटिंग था एम्बिएंट सेटिंग के, आप इसका जो सिविल 3D का ये यूजर इंटरफेस है इसमें आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।